हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आई एम निकिता और आज हम लोग जिस सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाले हैं उस सॉन्ग का नाम है शेरा मूवी टाइटल सॉन्ग। तो हाँ, एक्चुअली मैंने टाइटल सॉन्ग पहले भी रिएक्शन लिया है, लेकिन वो एक्चुअली एक लिरिक्स सॉन्ग था, मतलब लिरिक्स के टाइटल थे और उसके बाद मतलब वो कोई वीडियो सॉन्ग नहीं था। तो इस बार हमें वीडियो सॉन्ग मिल रहा है। एक्चुअली इस सॉन्ग पर मैं रिएक्शन देने वाले थे, लेकिन हमें हमारे एक सब्सक्राइबर, उनका नाम है नवीन कुमार, उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी थी। तो आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है और हम भी इस पे देने वाले थे और ये स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली आई कांट वेट। पवित्र भूमि भारती की माटी पे तू जन्मा, रूप है तू नरसिंह का, चरित्र तेरा तारे पे भी गर्व से लिखेंगे, चमकता रहे तू सूर्य सा। ये आसमां भी झुके प्रणाम तुझको करता, तू आया है यहाँ नई सी सुबह सा। सवेरा तेरी सांसों में बसा, अंधेरा तेरे आने से हटा। दास बन के जीने से अच्छा है युद्ध में के मर जाए हम, मुश्किलों से मिला है मनुष्य का जन्म, इसमें क्यों हम सहे ये सितम। भाई बंधु सखा पुत्र मोर बहन, भूल करके आगे बढ़ते जाए हम, हाँ दिखे एक पर बने लाख हम, लक्ष्य की तरफ बढ़े कदम। युद्ध भूमि जाओ, युद्ध भूमि जाओ, बनके शूर है तू, वीर है तू, दुश्मनों को जड़ों से ही तुम उखाड़ दो। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था ये और मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली साउथ जो ही मूवी होती है, मुझे उसका सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो होता है फाइटिंग सीन। बहुत ही अमेजिंगली वो लोग डायरेक्ट करते हैं और जो भी स्टंट गुरु होंगे उनके, वो बहुत ही अमेजिंगली, और हर मूवी में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, एक ही एक नहीं होता, कुछ ना कुछ नया। अगर आपने अल्लू अर्जुन की कोई भी मूवी देखी हो तो उसमें हमेशा ही उनके कोई अलग ही फाइट सीन देखने को मिलता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है वो देखना। तो ये जो सॉन्ग था ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था। एक्चुअली मुझे वीडियो सॉन्ग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एमवी बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और ये बहुत ही सेटिस्फाइड, अमेजिंग, और जो इसकी जो लिरिक्स है उसके ऊपर परफेक्टली ये लग रहा था कि अमेजिंगली कोरियोग्राफ किया गया था। और हमारे जो साउथ इंडिया के जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी मतलब डांस फॉर्म है, और भरतनाट्यम जो है वो साउथ का एक बहुत ही अमेजिंग डांस फॉर्म, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो भी भरतनाट्यम की डांसर है एक्चुअली, तो वो भी दिखाया गया था। ये बहुत अमेजिंग, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है साउथ की फिल्म देखना, इसलिए वो पसंद है क्योंकि हमारा कल्चर देखने को मिलता है इसके अंदर। और ये बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, मुझे ये मूवी बहुत पसंद है एक्चुअली। कुछ भी हो जाए ये मूवी मैं देखने जाने वाली हूँ। मतलब यू नो 2019 की जितनी पावरफुल मूवी है ना, इसमें ये मूवी भी शामिल होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है एक्चुअली, बहुत अमेजिंग। मैं ट्रेलर ही देख लो, ट्रेलर देखो, सॉन्ग देखो, सॉन्ग भी बहुत अमेजिंग है, ट्रेलर अमेजिंग है। और इसमें कहा गया है कि फर्स्ट फाइट थी जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसके अगेंस्ट लड़ी गई थी, तो एक्चुअली ये देखा जाए तो सही भी है क्योंकि ब्रिटिश जो शासन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो साउथ से ही आया था ऊपर, तो मतलब ये डेफिनेटली लॉजिकल चीज़ है कि हाँ फर्स्ट फाइट ऑब्वियसली साउथ में ही हुई होगी। तो
मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में एक्चुअली पता नहीं, एक्चुअली किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो ऐसी मूवी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे देश में ऐसा क्या क्या हो गया है, और बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो अनटोल्ड है, अभी तक कही नहीं गई, हमें पता नहीं है, तो इस मूवी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए, मतलब हमें अपना इतिहास पता चलता है कि इतिहास में कैसे कैसे महान लोग ने हमारे हमारे देश के लिए युद्ध किए थे। तो ये जो मूवी है इसके अंदर जो एक्टर्स है, तो अगर एक्टर की बात करूँ तो इसमें इसमें अभी रूमर्स है या सच पता नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी जो है, उनका भी इसके अंदर रोल है। पता नहीं क्या रोल है, अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अगर वो है तो मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो एक साउथ की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस मैं मानती हूँ कि वो है, क्योंकि सी इज़ जस्ट अमेजिंग, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। और आपको पता है मेरे फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन एंड विजय, तो मतलब मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेफिनेटली इट्स डन राइट हियर। और अगर आपको मेरा ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, और हमें एक टाइप का जो ना मोटिव से मिलता है कि कोई लोग है, 4-5 लोग 10-15 लोग जो हमारा ये वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सपोर्ट कर रहे हैं हमें, थैंक यू।